छोले खाना सबको पसंद है बट क्या आप एक तरह का छोले मसाले खा के बोर हो चुके हैं देन गाइज दिस वीडियो इज़ फॉर यू इस वीडियो में मैं आज आपको चार डिफरेंट रेसिपीज ऑफ छोले फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर शेयर करने वाली हूँ हाई गाइज वेलकम टू द चैनल एंड विदाउट एनी फर्दर रेडियो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें छोले रेडी करने हैं इसलिए हम ओवरनाइट सोक छोले में खड़े गर्म मसाले नमक और ढेर सारा पानी डाल के प्रेशर कुक कर लेंगे वंस इट इज़ डन वी विल स्टार्ट द फर्स्ट मिल ऑफ आवर डे जो कि हमारा ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के लिए हम एक यमी छोले में और सैंडविच बना रहे हैं तो इसके लिए आप बॉइल्ड छोले को एक बोल में लेके अच्छे से मैश कर लीजिए उसमें आप प्याज कोकुम्बर टमेटो ग्रीन चिलीज आप कैरेट कैप्सिकम जो भी डाल सकते हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए देन ऐड सॉल्ट एंड पेपर मिक्स इट वेल नाउ आफ्टर मिक्सिंग आप यहाँ पे हंकर्ड मेयो एनी थिंग ऑफ योर चॉइस डाल के उसको अच्छे से चला दीजिए हाँ चाट मसाला भी डाले इट विल एड अ टेस्ट टू इट नाउ जब ये बन जाए अच्छे से मिक्स हो जाए फिनिश इट ऑफ विथ कोरिएंडर लीव्स मींट लीव्स और एनी थिंग ऑफ योर चॉइस नाओ अब ये रेडी हो गया है आई लिव इट अप टू योर क्रिएटिविटी अब सैंडविच आप अपने तरह से बनाइए ब्रेड एनी ऑफ योर चॉइस उसमें आप चटनी लगाइए कैचअप लगाइए कोई भी सॉस लगाइए फिर ये स्टफिंग दीजिए एंड देन योर यमी हेल्दी वेरी ईजी एंड न्यूट्रिशियस सैंडविच इज़ रेडी चलिए अभी आपका ब्रेकफास्ट तो सॉर्टेड हो गया है मैं आपको एक यमी लंच रेसिपी शेयर करती हूँ एंड वो है आपका यमी पालक से बनने वाला छोले साउंड्स इंटरेस्टिंग यस लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस तो आपको तो पता है पालक को आपको ब्लांच करना है फिर ठंडे पानी में डाल के उसका एक प्यूरे बना देना है फिर अब हम मसाला बनाते हैं। मसाले के लिए कढ़ाई में जीरा हींग और प्याज डाल के अच्छे से भून लीजिए यहाँ प्याज को ज़्यादा काला नहीं करना है जस्ट थोड़ा ट्रांसलूसेंट कर लीजिए फिर आपके रूटीन के मसाले डालिए और अच्छे से मसाले भून लीजिए हाँ यहाँ सिर्फ एक डिफरेंट मसाला डालेगा जो मैं आपको बताती हूँ वो है आपका आमचूर मसाला तो नमक आमचूर हमने डाल दिया है अभी इसको अच्छे से भून देना है दो से तीन मिनट फिर आपका प्योरड पालक यहाँ मैंने पालक को दर दरा पीसा है कम्प्लीटली प्योरी नहीं कर किया है क्योंकि दैट्स द टेक्स्चर आई लाइक फिर आप बॉइल छोले डाल दीजिए उनको अच्छे से पकाइए अभी देखिए आपके पालक और छोले बन पक रहे हैं अब उसमें आप डालिए कसूरी मेथी हाँ ढेर सारा कसूरी मेथी डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए फिर ढक्कन दे के दो से तीन मिनट के लिए छोड़ दीजिए अभी देखिए ये आपका पालक पक गया है और जब एक्सेस वाटर था वो भी सूख गया है इसमें गरम मसाला डाल के और हाँ लास्ट को ये तड़का ज़रूर डालना ये है लहसुन अदरक और मिर्च का तड़का जो कि देसी घी में हुआ है ये तड़का आपके छोले पालक को एक दूसरे लेवल पर ले जाएगा तो देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना ये छोले पालक ये आप रोटी चावल पराठे जिसके भी साथ खाइए मज़ा आ जाएगा चलिए अब नेक्स्ट डिश की तैयारी करते हैं उसके लिए मैं कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज कैरेट और वो धनिया पत्ता का जो स्टॉक होता है ना वो एज अ सेलरी हम डाल के उसको भून रहे हैं फिर रूटीन का मसाला डाला यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा थोड़ा काली मिर्च और यू नो गरम मसाला डाल के नमक डाल के अच्छे से मसाले को भून लीजिए ये रेसिपी बहुत ही यमी बनने वाली है एंड इट्स अ वन पॉट मील अभी यहाँ पर मैं बॉयल टमेटो प्योरे डाल रही हूँ और उसको यू नो अच्छे से जैसे वो पक जाए यू नो तेल छूटने लगे तब तक हमने अच्छे से पका लेना है फिर आप डाल दीजिए आपके बॉयल चने उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब आप पानी डालिए पानी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ छोले डालिए ये।, ये छोले पकाने के लिए नहीं ये अभी हम डालने वाले हैं पास्ता बट उससे पहले पानी को थोड़ा ढक के पका देते हैं ताकि उसमें अच्छा सा जोश आ जाए और यू you नो know, अच्छा सा तेल छूटने लग जाए ताकि हमारा जो सॉस है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाए वन सॉस रेडी होने के बाद आप पास्ता डालिए एनी थिंग ऑफ योर चॉइस मैंने यहाँ पे पैने पास्ता लिया है उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अगर आपको ज़्यादा पानी चाहिए तो वो भी डाल के फिर कवर करके अच्छे से जब तक पास्ता अच्छे से नहीं पक जाता है आप कवर कर लीजिए बीच बीच में अगर चलाना पड़े तो भी चला लीजिए ये एक्चुअली एक है और पास्ता बन रहा है तो चीज़ तो डलेगा ही तो अच्छे से भर के चीज़ डालिए जितना आपको मन और देखिए आप जब चीज़ डालते हैं ना तो बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगने वाला है अभी धनिया पत्ता डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर देखिए कितना यमी चीज़ी पास्ता हमारा बन के रेडी है इसको आप डिश आउट कर लीजिए ये आप बच्चों को यू नो एज इवनिंग स्नैक वो जब स्कूल से लौटते हैं तो एजे इवनिंग स्नैक दे सकते हैं और चना पास्ता हुआ वॉट अमेजिंग कॉम्बिनेशन जस्ट यू नो स्प्रिंकल सम मोर चीज़ एंड सम मोर कुरियनड एंड सर्व इट इस ये डिश इतना यमी और टेम्पटिंग है आई गेस यू विल लव दिस लास्ट रेसिपी भी एक वन पॉट डिनर मील है तो इसको बनाने के लिए आप कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा डालिए फिर प्याज डालिए प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए फिर टमाटर डाल के उसको अच्छे से भूनिए फिर आप आपके रूटीन स्पाइसेस डालिए और मसाले को अच्छे से भूनिए मसाला अच्छे से भूनने के बाद आप छोले डाल दीजिए और छोले और मसाले को अच्छे से भून लीजिए ताकि वो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए फ्लेवर एनहैंस के लिए नमक डालिए मिक्स कीजिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा बिरयानी मसाला डाल रही हूँ क्योंकि हम राइस डाल के एक चना पुलाव बनाने वाले हैं तो चलिए अब राइस डाल के अच्छे से राइस को मिक्स कर दीजिए चने के साथ फिर टू इज़ टू वन रेशियो में आप पानी डाल दीजिए और उसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दीजिए आप यहाँ पे मिर्ची अदरक धनिया पुदीना डाल सकते हैं और देखिए ये झटपट बनने वाली वन पॉट मील भी रेडी है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा डू ट्राई दिस रेसिपीज एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो मिलती हूँ एक नए वीडियो में टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ सी यू सुन बाय